नमस्कार, किचन विद कावेरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आम का जूस। कच्चे आम का जूस बनाने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें ली है, आपको मैं बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने ये बड़े आम से सिर्फ इतना हिस्सा काट के लिया है। ये एक इंसान एक ग्लास के लिए मैं ये जूस बना रही हूँ। तो ये मैंने काट के रखा है छोटे छोटे टुकड़ों में। साथ में मैंने लिया है हरा धनिया, थोड़ी सी करी लीव्स, और यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं। चिली फ्लेक्स है, जीरा पाउडर है, चाट मसाला है, और साथ में मैंने लिया है पेपर, ब्लैक पेपर लिया है, और यहाँ पे हमने काला सेंधा नमक लिया है। तो शुरू करते हैं कच्चे आम का पन्ना बनाना। यहाँ पे मैंने मिक्सर का जार ले लिया है, इसके अंदर मैं डालूँगी। आम कच्चा है, इसके लिए हमें शुगर ज़्यादा लगेगी, तो यहाँ पर मैं 4 से 5 चम्मच शुगर ले रही हूँ। 2, 3, 4, 5, ये सारी ड्राई चीज़ें हैं और बहुत कम पानी है, इसके लिए पानी भी ले रही हूँ। पानी की मात्रा मैं आपको पीस कर ही बताती हूँ, ज़्यादा हमें नहीं लगेगा, ये आधा ग्लास पानी लगता है। कच्चे आम को और बाकी सारी चीज़ों को मिक्सी में चला लिया है, तो अभी इसे हम छान लेते हैं। आपको जितना पतला चाहिए आप उतना पतला बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधा ग्लास पानी यूज़ किया था, यहाँ मैंने 2 ग्लास ले लिए हैं। इसके अंदर मैं डालूंगी हाई सभी, तीन से चार आइस क्यूब मैं डाल रही हूँ। आप अगर ठंडा नहीं चाहते तो आप कोई भी पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अभी जूस मैं ग्लास में भर रही हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अभी इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, और ये बहुत ही चटपटा और तीखा खट्टा बहुत ही बढ़िया लग रहा है। जैसे मैंने टेस्ट किया था आपको मैं बता रही हूँ। तो हमारा कच्चा आम का जूस रेडी हो चुका है। इसे बनाने के लिए मुझे लगे हैं सिर्फ 10 मिनट। आपके घर में जो भी चीज़ें हैं, जो जो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की है, उसके बजाय आपके यहाँ पर नमक शक्कर कितनी भी चीज़ें हैं तो आप ये बना सकते हैं। और आम तो क्या बहुत ही सस्ते मिलते हैं समर में। आपने ये रेसिपी पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद किचन विद कावेरी में हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। धन्यवाद।